नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टिकी अनिल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कमाल के 8 टिप्स WhatsApp के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपके डे टू डे WhatsApp यूजिंग में आपको बहुत ही मदद करेंगे, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों टिप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके WhatsApp यूजिंग में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे दिया गया बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आने वाले ऐसे टिप्स की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए चलिए दोस्तों व्हाट्सएप को शुरू करते हैं। तो व्हाट्सएप को शुरू करने के बाद पहला जो टिप है दोस्तों, आप अगर अपने व्हाट्सएप को नाइट में यूज़ करते हो, उसकी ब्राइट की वजह से आपकी आइज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको करना क्या होगा, अपने व्हाट्सएप पर खोल देना है और बाजू में 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जैसे जाएंगे उसके नीचे आपको चैट्स दिख रहा है, तो उस चैट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाजू में आपको थीम का ऑप्शन दिखा है, वो थीम का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डार्क पे क्लिक कर देना, और इसके बगैर से आप व्हाट्सएप का जो थीम रहेगा वो ब्लैक डार्क कलर में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको नाइट में अगर व्हाट्सएप ज़्यादातर यूज़ करते हो तो आपके आइज़ को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिप है दोस्तों। और उसके बाद आकर अगर आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, आप सभी मैसेज को रीड नहीं कर पाते हो, उसमें कोई चैट्स आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो उस चैट को आप बाद में रीड करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक ये टिक कर सकते हो कि आपको बाद में आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा चैट इम्पॉर्टेंट है। उसको करना है तो आपको जो कोई भी चैट है ना उस पर होल्ड करके क्लिक करना है, उसके बाजू में ऊपर के दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और मार्क एंड अनरीड टिक करना है। उसके बाजू में है ना दोस्तों एक टिक मार्क आ जाएगा, जो आपको बाद में आइडेंटिफाई करने में अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी बता देना था, अगर आप किसी का चैट देखना चाहते हो, अगर आप उनको दिखाना नहीं चाहते हो कि आपकी लास्ट सीन क्या होगी, तो अगर आपको ये करना है तो आपको अगर एक नेट ऑन करना है, नेट ऑन करते आपको मैसेजेस आ जाएंगे, उसके बाजू में आपको एयरप्लेन मोड पे ऑन करना है अपने मोबाइल को। जैसे आप एयरप्लेन मोड पे ऑन करेंगे और उसके बाजू में वो चैट वगैरह पूरा पढ़ सकते हो, और चैट पढ़ने के बाद आप यहाँ से मेन मेन्यू में से भी वो एप्लीकेशन को आपको हटा देना है, और हटा देने के बाद आपको एयरप्लेन मोड से अपने फ़ोन को ऑन कर लेना है नॉर्मल मोड पे। ऑन कर लेंगे तो आप उस चैट को रीड भी कर पाएंगे और उनको आपका लास्ट सीन भी विजिबल नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों इसके आगे अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हो और उनको अपना जो लैंग्वेज है, आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता किसी को, तो आप WhatsApp को अपने लैंग्वेज में कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। मैं WhatsApp पे जाऊँगा और फिर से चैट्स पे क्लिक करूँगा, चैट्स के बाद ऐप लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, यहाँ पे सारे लैंग्वेज आ जाएंगे। देखिए मराठी भी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है, हिंदी में है, तो इसी तरीके से आप ईजीली अपना WhatsApp कोई भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको अगर किसी को चैट में भेज देना है तो उस चैट में आपको स्टाइलिश टेक्स्ट में लिखना है, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, स्टार क्लिक कीजिए, उसके बाद हेलो मैं लिख ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर से आपको स्टार क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट जो है ना दोस्तों बोल्ड में चला जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको इटैलिक में लिखना है तो इटैलिक में लिखने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको डाउन अंडरस्कोर पे क्लिक करना है, डाउन अंडरस्कोर लिखा है, उसके बाद मैं हाई टेक्स्ट लिखूँगा और यहाँ पे फिर से एक बार डाउन अंडरस्कोर लिखूँगा। तो ये टेक्स्ट देखिए जी दोस्तों इटैलिक में चला गया। और उसके बाद आपको कोई और नए फॉन्ट्स में अगर लिखना हो मैसेज को, तो ये देखिए ये वाला इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद हाई क्लिक करता हूँ मैं और फिर से इसको टिक मार्क करता हूँ, तो ये देखिए टेक्स्ट एक अलग ही फॉन्ट में चला गया। और उसके अलावा और एक भी टिप बता देता हूँ दोस्तों, इसी में आपको और एक चीज़ मैं बता दूँगा, 1-2-3 बार आपको ये आइकन टिक करना है ऊपर का, उसके बाद हाई क्लिक करना है और फिर से 1-2-3, तो ये भी एक अलग तरीके से आपको लुक दे देगा दोस्तों। तो इसी के तरीके से आप अलग अलग फॉन्ट के साइज़ में आप भेज सकते हो। उसके बाद अगर आप कॉलिंग भी करते हो व्हाट्सएप पे दोस्तों बहुत सारा, तो व्हाट्सएप कॉलिंग है ना बहुत सारा डेटा कैप्चर करता है, तो उसको आप रिड्यूस करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, व्हाट्सएप पे जाना है और आपका डेटा ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको क्या करना है, डेटा और स्टोरेज पे क्लिक कर देना और नीचे जो पूरे नीचे जाना है दोस्तों, कॉल सेटिंग जहाँ पे दिख रहा है ना उसमें लो डेटा यूसेज है, उसको आपको एनेबल ऑन कर देना है। तो ऐसे ऑन करने के बाद आपको दोस्तों है ना, तो जो भी आप
व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे उसमें आपको डेटा जो है ना बहुत कम यूज़ करेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई चैट है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उस चैट को आप कहीं कैसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो या व्हाट्सएप में अगर जीमेल पे वगैरह आप सेव भी करके रख सकते हो। तो इसके वजह से आप जैसे आपका मोबाइल कभी कभी फॉर्मेट वगैरह हो गया तो भी उस चैट को रीडायरेक्ट कर सकते हो। उसको कैसे करना है आपको फिर से सेटिंग में जाना है, चैट्स में जाना है दोस्तों। चैट में जाने के बाद आपको यहाँ पे चैट हिस्ट्री पे क्लिक करना है, उसके बाद में एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करना है और जिस आदमी का आपको चैट सेलेक्ट करना है उसके चैट सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से कहीं पे भी आप शेयर करके उस चैट को सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपका मोबाइल कभी खो जाता है, अगर आपका व्हाट्सएप उसमें ऑन होता है तो उसमें एक बार फिर से टू स्टेप वेरिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये टू स्टेप वेरिफिकेशन रखेंगे तो आपका व्हाट्सएप कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आपको इसके लिए फिर से सेटिंग में जाना होगा, अकाउंट्स में जाना होगा, उसके बाद में आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल कर देना है। जैसे आप एनेबल करेंगे यहाँ पे 6 डिजिट का पिन आपको पूछेगा, जो 6 डिजिट का पिन डालेंगे ना दोस्तों तो आपका व्हाट्सएप जब भी आप खोलना चाहते हो तो उसके बाद में आपको ये हेल्पफुल करेगा कि आपका जो भी व्हाट्सएप का जो डेटा वगैरह है वो सेफ रहे, कोई और आपका व्हाट्सएप यूज़ ना करे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में जो घंटी वाला बटन है उसको क्लिक करो ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ दोस्तों।